कोलंबो के मुख्य बस स्टैंड के पास से 87 विस्फोटक बरामद हुए हैं। केटा इलाके में सेंट्रल कोलंबो बस स्टेशन में बम डेटोनेटर मिले हैं। पुलिस के एक बयान में बताया गया है कि शुरुआत में 12 डेटोनेटर मिले थे, बाद में छानबीन कर और 75 डेटोनेटर्स का पता लगाया जा चुका है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई जबकि एक दिन पहले ही श्रीलंका में रविवार को गिरजाघरों तथा 5 सितारा होटलों में ईस्टर के मौके पर आत्मघाती हमलों सहित 8 बम धमाकों में से कम 290 लोगों की जान चली गई और करीब 500 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 24 लोगों को हिरासत में लिया है और सबसे दिल दहल जाने वाला नज़ारा उस समय देखने को मिला जब एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से ये सवाल कर बैठा कि पापा वेयर इज गॉड, ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ है। उस बच्चे की जो शराफत थी, उसकी जो सरलता थी, उसे देखकर मन आंखों से आंसू टपक पड़े हर एक इंसान के। जो पकड़े गए बम हैं उनमें ज़्यादातर देसी हैं, विस्फोटक पाइपों में बने हुए हैं। वायुसेना के प्रवक्ता ग्रुप कैप्टन गिहान सेने पविरत्ने ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आईडी स्थानीय स्तर पर बनाई गई है। वायुसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि 6 फुट लंबा एक देसी पाइप बम था जो सड़क के किनारे बरामद हुआ है और उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया है। बता दें कि श्रीलंका में रविवार को हुए आत्मघाती बम धमाकों के बाद देश में सोमवार रात से कर्फ्यू लगाने का नया आदेश जारी किया गया है। रविवार को हुए धमाकों में 290 लोगों की मौत हुई है और 500 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सोमवार सुबह अधिकारियों ने पहले से लागू कर्फ्यू को हटा दिया था, इसमें कुछ घंटे बाद फिर से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। सरकार के सूचना विभाग ने बताया कि आज सुबह 6 बजे पुलिस कर्फ्यू हटा लिया गया था, लेकिन सोमवार रात 8 बजे से यानी आज शाम को 8 बजे से दोबारा कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तो श्रीलंका के हालात बेहद नाजुक हैं, ऐसे में पूरा देश ही क्या पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। एक साथ 300 लोगों की जाने जाना और लगभग 500 से अधिक लोगों का घायल होना, यह बताता है कि इस पर हमला करने वाले कितने दरिंदे और कितने बहसी थे। बहरहाल बहुत ही दुखद वारदात है श्रीलंका की।